हेलो सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर, कुड यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Could you unmute yourself? Thank you. सकारे दुगत पनाकार भूते पठिगन्हातु अम्भाकं दीर्घरतं हिताय सुखाय अर्हं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। खंडमयं बुद्धस्य भगवतो उपभागनं कारं करोमसि। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। अन्मयं गतंतय नाम गाथाय उचे संवेग परिकीर्तन पाठन च भणामसि। बुद्धो सुशुद्धो करुणा महानवो योचन्त शुद्ध पर ज्ञान लोचनो। वन्दामि बुद्धं महं आदरेण तं धम्मो बलिपो वियतस्य सत्तुनो। नु मग्पाकामत भेद भिन्नको लोकुत्तरो योच तदत्त तदीपनो। वन्दामि मुम्मं अहम् आदरेण तं सङ्गो सुखेताभ्यतिखेत सन्नितो। यो दिट्ठ सन्तो गतानुबोधको लोलपयिनो सुमेधसो। वन्दामि सङ्गम् अहम् आदरेण तं पुण्यं मयायं मम सब बन्धवा। मा हन्तु ते तस्य प्रभावसिद्धिया। इद तथा गतो लोके उपन्नो अर्हन् सम्मा संबुद्धो। धम्मो च देशितो नियानिको समिको परिनिब्बानिको सम्बोधगामि सुगत पवेदितो। मयन्तं धम्मं श्रुत्वा एवं जानामः। जातीति दुःखा जरापि दुःखा मरणमपि दुःखम्। शोक परिदेव दुख दो मनस्य उपाया सापि दुःखा। अप्येहि संपयोगो दुःखो प्रियेहि विपयोगो दुःखो। यमपि इच्छं न लभति तमपि दुःखं। संक्षिप्तेन पञ्चपादान् खण्डा दुःखा।
यथीदं रूप उपादान खलु वेदना उपादान खलु संज्ञा उपादान खलु संघार उपादान खलु विज्ञान उपादान खलु ये संपरिन्याय धर्मानुसु भगवान एवं बहुलं सावके विनेति एवं भागा च पनस्य भगवतो सासुकेषु अनुशासनि बहुला भवत्तति रूपं अनिच्छं वेदना अनिच्छा संज्ञा अनिच्छा संखारा अनिच्छा विज्ञानं अनिच्छं सर्वे रूपं अनत्ता वेदना अनत्ता संज्ञा अनत्ता संखारा अनत्ता विज्ञानम अनत्ता सभी संखारा अनिच्छा सभे धम्मा अनत्ता ते मयम् भूति नाम जातिया जरा मरणे शोके हि परिदेवे दो मनसे उपायासी दुःखो तुम्य दुःख परि अप्येव नाम इमस्य केवलस्य दुःखखण्डस्य अन्तःक्रिया पर्यायेकाति चिरपरिनिभूतमपि तं भगवन्तं शरणं गता धम्मं च सङ्घं च तस्य भगवतु शासनं यथा सति यथा बलं मनसि करोमि अनुपटि पजामा सासानो परिपति इमस्य केवलस्य दुःखखण्डस्य अन्तःक्रिया संवत्ततु रतन सप्त में पाठ करेंगे नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से यानि देवतानि समागतानि भुम्मानि वाया निवे अन्तलिखे सब्बेवे भूता सुमना भवन्तु अतोपि सक्कच्च सुनन्तु भासितं तस्माहि भूतानि सामेत सब्बे मित्तं करोत मानुषिया पजाये दिवाच रत्तो चरन्ति ये बलिं तस्माहि निरक्खत अप मत्ता यं किञ्चिवित्त
तं इदेवा पुरं वा सग्गे सुवायं रत्नं पनीतं ननो समंगति तथागतेन इदंपि बुद्धे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु खयं विरागं अमितं पनीतं यदज्जगासक्य मुनि समाहितो नतेन धम्मेन समत्ति किंचि इदंपि धम्मे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु यं बुद्ध सेठो परिवन्नै सुचिं समाधिमानं तैकन्य माहो समाधिनातेन समोन विज्जति इदंपि धम्मे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु ये पुग्गलाट्ठ सतंप सत्ता चत्तारियेतानि युगानि होन्ति ते दक्खिनेया सुगतस्स सावका एतेषु दिन्नानि महाप्पलानि इदंपि संघे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु ये सुप्रयुत्ता मनसा दल्हेन निकामिनो गोतम सासनम् ते पत्तिपत्ता अमतं विघैः लद्दा मुधा निबुधिं भुञ्जमान इदंपि संघे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु यतिन्द कीलो पटविंसितोसिया चतुभि वातेभि असंप खंपियो तथोपमं सप पुरिसं वदामि यो अरिय सच्चानि अवेच्च पस्सति इदंपि संघे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु ये अरिय सच्चानि विभावयन्ति गंभीर पञ्येन सुदेशितानि किंचापि ते हन्ति भुचप्पमत्ता नते भवं अट्ठमं आदियन्ति
Idampi sanghe ratenang panipu etene satene suvatti hoti. Sahavasse dasana sampadaya tayassu dhamma jahita bhavanti sakkaya ditthi vichikicchitam ca silabbatam va piyadassi kinci chatuhapayehi ca vippamutto tathābhitānāni abhavokātum idampi saṅghe ratanaṁ panītaṁ etena saccena suvatti hoti. Kincāpi sokammaṁ karoti pāpakaṁ kāyena vācā udacetasāvā abhabbo sotasse paṭicchādāya abhabbatā ditthe padasse uttā. Idampi saṅghe ratanaṁ panītaṁ etena saccena suvatti hoti. Vanappagumbhe yathā pussitagge gimhāna māse haṭamasmin gim tatupamaṁ dhamma varaṁ adesai nibbāna gāmin paramaṁ hitāya idampi buddhe ratanaṁ panītaṁ etena saccena suvatti hotu. Varo aranyo varedo varaharo anuttaro dhamma varaṁ adesai idampi buddhe ratanaṁ panītaṁ etena saccena suvatti hoti. Kīnaṁ purānaṁ navaṁ natti sambhavaṁ viratta cittā āyati ke bhavasmiṁ te khīna bījā avirullicchandā nibbanti dhīrā yatā yampadhi. Idampi saṅghe ratanaṁ panītaṁ etena saccena suvatti hoti. Yānīdha bhūtāni samāgatāni bhummāni vāyā nive an talikhe tathāgataṁ deva manusse pūjitaṁ buddhaṁ namassāme suvatti hotu. Yānīdha bhūtāni samāgatāni bhummāni vāyā nive antalikhe
तथागतं देव मनुष्य पूजितं धम्मं नमस्सामि सुवत्ति होति यानि देवभूतानि समागतानि मानि वायानि वे अन्तालिके तथागतं देव मनुष्य पूजितं संघं नमस्सामि सुवत्ति एतेन सच्च वज्जेन दुःखोपशमिन्तुते एतेन सच्च वज्जेन भयोपशमिन्तुते एतेन सच्च वज्जेन रोगोपशमिन्तुते ध्यान करेंगे। थोड़ी देर चित्त को शांत कर लेते हैं, फिर आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे।
छंद का विश्लेषण और उसका विवेचन हो रहा है, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। रूप कंद के प्रति उपादान कैसे रहता है, तो धातु मनसिकार बम्बम काया के ऊपर होने वाली जो भी घटनाएं घटती हैं काया के अंदर, चार महाभूतों का ही विभिन्न तरह का सम्मिश्रण, जिस तरह से हम काया का अनुभव कर पाते हैं, काया को जानते हैं, इसी तरह से जानते हैं कि अग्नि धातु है, पृथ्वी धातु है, वायु धातु है, जल धातु है। तो जिसको मैं मेरी मान रहे हैं इन धातुओं का पुंज है। आधुनिक विज्ञान के हिसाब से समझना चाहे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का पुंज है, जो प्रतिक्षण बदलता रहता है, तेज गति से इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जिसमें 99% एम्प्टी स्पेस है, वैक्यूम है, खाली है, कुछ नहीं है वहां। लेकिन इतनी तेज गति से वाइब्रेशंस होती है कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि अंदर सब कुछ खाली है। तो अपने अनुभव पे थोड़ा देखते हैं कैसा लग रहा है। एक शरीर का स्कैनिंग करते हैं, या तो सिस्टमेटिक या ओपन अवेयरनेस से बैठ के देखते हैं शरीर के किस भाग में क्या हो रहा है और वो कौन सी धातु की प्रधानता है, और किस प्रकार से ध्यान करते करते वो धातुओं की प्रधानता बदलती रहती है। थोड़ी देर शरीर के ऊपर होने वाली संवेदना, जो भी बॉडीली सेंसेशंस हैं, लेट अस हैव अ लुक एट द बॉडीली सेंसेशंस एंड सी द राइजिंग एंड पासिंग अवे ऑफ द फोर ग्रेट एलिमेंट्स अर्थ एयर फायर वाटर, हैवीनेस लाइटनेस movement, cohesion, liquidity and heat. That's all that our experiences are built of. So let us see that for some time so that we can remove the illusion of solidity of the body to the extent it is possible. Sharir ghana hai, solid hai, isi karan se ye भ्रम होता है कि मेरा है, मैं हूं। अगर शरीर प्रतिक्षण तरंगी तरंग दिखे तो शायद हम किस तरंग को अपना कहेंगे, शायद वो इल्यूजन कम हो जाए। तो थोड़ी देर अभ्यास करते हैं। शरीर की सॉलिडिटी को और गहराई से देखने का कि ये सचमुच में सॉलिड नहीं है, जैसे भगवान बताते हैं शरीर की उपमा एक झाग के पिंड से, लंप ऑफ फोम, बॉडी इज लाइक ए लंप ऑफ फोम। तो उसका जितना भी इस तरह का साक्षात्कार हो सके करते हैं।
ध्यान करके शरीर की घनत्व जो है सॉलिडिटी टूटनी शुरू हो जाती है, मालूम पड़ता है। तो बार बार ऐसा अभ्यास करेंगे तो मन में ये बात पुष्ट होने लगती है कि शरीर जो है वाइब्रेशन से बना हुआ है। वाइब्रेशंस को मैं और अपना मानना तो समझदारी नहीं, वो जो मैं और मेरे का भाव है थोड़ा कम होने की दिशा में पहला कदम। दूसरा कदम भी हमने डिस्कस कर चुके हैं, इसकी ग्रॉस अपीयरेंस जो है, जिस अपीयरेंस के कारण बाहर से जैसा दिखता है हम अट्रैक्ट हो जाते हैं दूसरों के प्रति, अपने शरीर के प्रति, तो मैं मान लेते हैं। उसके लिए अतिकूल मानसिकार बंधम अति मस्मिन काये केशा लोमा नखा दंता तचो। थोड़ी देर उसका भी अभ्यास करते हैं। काया में जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं वो यही पांच चीजें हैं, बाकी भी पार्ट हैं जो हमारे को सुंदरता का भ्रम हटाते हैं। यहाँ तक आइडेंटिटी का सवाल है। केशा लोमा नखा दंता तचो, सबसे ज्यादा केश और त्वचा, और त्वचा के साथ शरीर की बनावट, आँख कान नाक दांत। उसको मेरा मान लेते हैं। ये भाव भी धीरे धीरे इसको सत्य की रोशनी में इस इल्यूजन से हटना होगा, ताकि हम रूपखंड के साथ जो तादात्म्य है, आइडेंटिटी है, वो टूटनी शुरू हो। क्योंकि जब तक रूपखंड से आइडेंटिटी बनी रहेगी, सकाय दृष्टि पुष्ट रहेगी, हम आगे मुक्ति के रास्ते पे, मुक्ति के द्वार नहीं खोल पाएंगे। सकाय दृष्टि सीलबद्ध परामर्श विचिकित्सा, ये तीन बेसिक फैक्टर्स हैं जो हमने अपनी अज्ञानता से लगाए हैं। तो इसको प्रज्ञा की रोशनी में देखेंगे, दूर करने का प्रयास करेंगे तो व्यक्ति के स्रोत में पड़ने की संभावना, श्रोतापत्ति मग तो बने, श्रोतापत्ति के मार्ग पर तो चले। तरीकों से सक्काय दिट्ठी को, उसका जो इल्यूजन है उसको हटाएं, ये हमारा प्रयास है। थोड़ी देर प्रतिकूल मानसिकार अपंगम अस्मिन काये केशा लोमा नखा दंता त्वचो। काया के शरीर के बाल, सिर के बाल, शरीर के बाल, नाखून दांत और त्वचा। और फिर काया की शेप, उसकी फॉर्म, आंखों की फॉर्म, नाक की फॉर्म, कैसा दिखता है,
ऐसा वर्ण है, कलर कैसा है, सबसे हम अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। इस आइडेंटिटी को, इस आइडेंटिटी के भ्रम को विभिन्न प्रकार से तोड़ना, एक तरीका ये कि एक एक पार्ट का विघटन करके देख लें। आंख सुंदर रखती है तो आंख हाथ में विजुलाइज कर लें, अगर हाथ में रख लें अपनी आंख कैसी सुंदर लगेगी। चमड़ी जो सुंदर लगती है इसका एक थोड़ा सा टुकड़ा काट के देखें तो एक लंबे समय तक शरीर के किसी भी अंग को देखते रहें, उसकी बाहर की त्वचा को स्पष्ट मालूम पड़ने लगता है कि इसमें कुछ नहीं रखा, कोई सुंदरता, कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर ये त्वचा जल जाए आग में तो भी आइडेंटिटी बनी रहती है। इतना फर्क पड़ता है कि मेरी त्वचा इतनी सुंदर थी, अब ये त्वचा खराब हो गई। मैं और मेरे का भाव काया के प्रति जो इतना स्ट्रांग है, उसको एनालाइज करके, अनुभव करके, दोनों के साथ साथ चल के हम प्रयास कर रहे हैं कि उसके जो सकाय दिट्ठी है वो कम हो, टूटे। जो रॉन्ग व्यू है दिट्ठी, अर्थात रॉन्ग व्यू, गलत तरीका है देखने का, कंसेप्चुअल लेवल पे तो टूटे, फिर कंसेप्चुअल लेवल पे टूटेंगे तो फिर वास्तविक लेवल पे भी टूटने का मार्ग प्रशस्त होगा। कंसेप्चुअल लेवल के जो भी प्रश्न आते हैं उनको समझ लें, हम क्लैरिफाई कर लें अपने मानस में। थोड़ी देर इस पे ध्यान करते हैं, केशालोमा पे।
बात हमारे सामान्य जीवन में आएंगी तभी सचमुच में कोई मूवमेंट हो पाएगी सक्काय दिट्ठी को समाप्त करने में। केवल 40 मिनट सुबह 40 मिनट शाम हम ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, अनुभव करेंगे, सफिशिएंट नहीं है। इतने सालों से ही करते आ रहे हैं, दैनिक जीवन में जब भी हम शरीर को मेहमाने, चाहे उसकी सुंदरता को लेके, चाहे उसके कपड़ों को लेके, चाहे हेयर स्टाइल को लेके, चाहे नेल स्टाइल्स को लेके, चाहे टीथ को लेके, चाहे आईज को लेके, या शरीर के अन्य भागों को लेके, उससे अपनी आइडेंटिटी जब तक बनाते रहेंगे तब तक इस दिशा में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सब प्रयास कर रहे हैं, दिन को भी सजग रहे, प्रयास करें। इस प्रयास यही है कि सजग रहना और कुछ नहीं करना। हमें कोई ईगो को डिनाउंस नहीं करना, तो और दूसरी तरह की गलती हो जाएगी। मैं हूं जो शरीर को अपना नहीं मानता, तो एक और तरह का भ्रम। सती और पन्या के आधार पर ही काम करेंगे। और सारे समझ का एसिड टेस्ट क्या हुआ, जैसे कल शाम को चर्चा की थी, कि जो मृत्यु का भय है, शरीर को खोने का भय है, उसको हमको समझना चाहिए। क्यों है ये भय? अगर शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, तो उसके जाने का भय क्यों है? तो उस भय से ही मुक्ति के लिए भगवान ने साधनाएं बताई। समझना प्रज्ञा, मुख्य बात तो प्रज्ञा, लेकिन कुशल उपाय जैसे मरणानुसति, मृत्यु का अनुस्मरण, मृत्यु तो अवश्य भावी है और मृत्यु शरीर की है, कोई भी मृत्यु से बच नहीं पाया। और कब होगी, कैसे होगी, कुछ नहीं मालूम है। तो जो चीज होके रहेगी उससे डरने की क्या बात है? हम रोक नहीं सकते, उसको रोकने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं कि जाके सुसाइड कर लें, मूर्खता से जीवन जिए, सड़क पे ऐसे खड़े हो जाएं। सती पन्या साथ रहे, एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज, जैसे बार बार सिखाया जाता है हमें अजान, पांच डेली रिफ्लेक्शंस में ये भी आता है, जरा धमोम ही जरा मनतीतो थी, आई एम ऑफ द नेचर टू एज, आई हैव नॉट ओवरकम एजिंग, व्याधि धमोम ही व्याधि मनतीतो, द बॉडी हैज द नेचर ऑफ फॉलिंग इल, आई हैव नॉट ओवरकम इलनेसेस, मरण धमोम ही मरणम अनतीतो, द बॉडी हैज द नेचर ऑफ डाइंग, आई हैव नॉट ओवरकम डेथ। तो ये बेसिक कॉन्टेम्पलेशन जो हम करते हैं बार बार, इस पे इसको याद रखने की बात है बेसिकली। शांति देव की एक प्रसिद्ध
कोटेशन है कि अगर कोई चीज ऐसी है जिसका इलाज नहीं तो उससे डरने से क्या होगा, उसके बारे में क्या चिंता करनी, जब होगा प्रकृति के नियमों के अनुसार आ जाएगा। और जिस चीज का कोई इलाज हो सकता है तो उसका इलाज करें, फिर डरने की जरूरत कहाँ है, चिंता करने की जरूरत कहाँ है। समझा रहे हैं हमको कि अपनी बुद्धि का, अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल करिए, जरा व्याधि मृत्यु शरीर की धर्म है, कोई भी हो, भगवान बुद्ध भी उनका शरीर भी जर्जरित हुआ, बीमार हुआ और मृत्यु को प्राप्त हुआ। विचार करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, मृत्यु का भय क्यों है, शरीर के प्रति आसक्ति के कारण है या और भी कोई बात है, सबको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या कारण है कि हम शरीर से अपनी आइडेंटिटी के कारण मृत्यु का भय है, और भी कारण है जो मृत्यु का भय है। शरीर से आइडेंटिटी तो ऑब्वियसली, जब तक शरीर से आइडेंटिटी रहेगी हमारा तादात्म्य शरीर से रहेगा तब तक शरीर को कुछ भी होगा, बीमार ना हो जाए, आजकल महामारी फैली हुई है, कहीं बीमार ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि हम असावधानी रखेंगे, रेकलेस हो जाएंगे, जो भी प्रिकॉशंस बताई गई हैं वो नहीं फॉलो करेंगे, वो तो मूर्खता हो जाएगी, सरासर मूर्खता। लेकिन उसके बारे में भय व्याकुल रहेंगे, कंटिन्यूसली भयभीत, तो वो समझदारी की कमी। तीन रिफ्लेक्शंस जो है जो आ जाता है, पांच है एक्चुअली, पांचों डेली रिफ्लेक्शंस अगर हम रोज करें तो शायद उससे भी लाभ होगा। शरीर जो है उसका जरा धर्म है, शरीर मरण धर्म, शरीर व्याधि धर्म है, और जो मेरे प्रिय हैं उनसे अच्छे लगते हैं उनसे मेरा पीछो हो ही जाएगा या वो बदल ही जाएंगे, इसको कोई, इस बारे में कोई डाउट नहीं। और मैं अपने कर्मों का स्वामी हूँ, कर्म ही मेरी गति बनाएंगे, कर्म ही मेरे बंधु हैं और कर्म ही मेरा उत्तराधिकार है, जो कर्म है उसका फल मैं ही, मुझे ही मिलने वाला है, तो उस फल के अनुरूप मेरा जीवन होने वाला है। ये पांच डेली रिफ्लेक्शंस भी हमारे लिए काफी मदद करते हैं सक्काय दिट्ठी को तोड़ने में, खासतौर पर पहले तीन बातें। और एक मृत्यु का भय ये भी रहता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, समाप्त हो गया सब कुछ और अगला जन्म मानते हैं तो अगला जन्म आने कहाँ होगा, कैसा होगा, क्या होगा, ये भी एक भय का कारण। तो उसको समझने के लिए प्रतिच्छ समुत्पाद का सिद्धांत भगवान ने समझाया,
प्रतिक्षण संखार पच्चय अविज्ञानम हो रहा है, चित्त धारा में जो भी संस्कार जागता है उसके अनुरूप अगले क्षण का विज्ञान और विज्ञान पच्चय नाम रूपम, उस विज्ञान से कंडीशन होके नाम रूप मन और बुद्धि मन और शरीर ऐसा ही बनता है। और नाम रूप पच्चय सड़ायतन, उस नाम रूप के अनुसार ही हमारी इंद्रियां होंगी, छह इंद्रियां ऐसी ही होंगी, तो फिर वो हस संसार से उसका स्पर्श होगा। तो प्रतिक्षण जो संखार पच्चय अविज्ञानम हो रहा है, मृत्यु के क्षण भी संखार पच्चय अविज्ञानम होगा। तो कैसा संस्कार मृत्यु के समय जागा उसी अनुसार अगला विज्ञान और उसी अनुसार अगला शरीर, उसी अनुसार अगला इंद्रिया। तो जब तक संस्कार हैं, तृष्णाएं हैं मन में, तब तक अगला जन्म होगा ही। ऐसा होगा किस तरह के हमारे संस्कार हैं, अकुशल संस्कार हैं, कुशल संस्कार हैं, वो हमको प्रेरित करते हैं कि हम शील का पालन करें, समाधि का अभ्यास करें, प्रज्ञा का अभ्यास करें। और जो ये प्रयास कर रहे हैं पांच खंडों को समझने का, ये प्रज्ञा का सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास। तो ये अभ्यास करते हुए अगर हमारी मृत्यु होगी तो अवश्य अगला जन्म बहुत अच्छा होगा, ऐसा होगा जिसमें ये प्रज्ञा को आगे हम आगे कंटिन्यू कर सकें। वो सिर्फ मनुष्य या मनुष्य से ऊपर के लोकों में ही हो सकता है, देव लोकों में, ब्रह्म लोकों में, नीचे के लोकों में वो नहीं हो सकता। अगर हम इस एनालिसिस को गहराई से करते रहेंगे, कोशिश करते रहें, सारा जीवन कोशिश करते रहें, तो संस्कार इतना गहरा होगा कि आगे भी इसी डायरेक्शन में हमारा जीवन ऐसा मिलेगा जहाँ पे ये सब इन्वेस्टिगेशन कर सके, जहाँ पांच खंडों को समझ सके, उसके प्रति उपादान तोड़ सके। तो श्रोतापत्ति मार्ग पे भी चलने से नीचे के लोगों से बचने की पूरी संभावना, और अगर शतापति फल मिल जाए तो भगवान बार बार कहते हैं, अभी रतन सूत्र में भी हमने पढ़ा, सक्काय दिट्ठी विचिकित्सा शीलवत परामर्श, टूट जाए तो उसके उसके बाद चाहे कभी असावधानी हो जाए, सती छूट जाए, तो भी उसका आठवां जन्म नहीं हो सकता। तो भगवान की वाणी है, ऐसा प्रयास करते रहना, इन्वेस्टिगेट करते रहना, समझने का प्रयास करना अपने में। ये जन्म सुधारेगा, अगला जन्म भी सुधारेगा। तो आए हम प्रयास करते रहें, साधना करके दिन भर में अपने जीवन में के प्रति सजग रहें, रूप खंड के प्रति सजग, रूप खंड के प्रति जो आसक्ति है, उसके प्रति जो मैं मेरे का भाव है, उसके प्रति सजग रहे दिन भर। निरंतरता से अभ्यास करते रहेंगे तो अवश्य ही कुछ ब्रेक थ्रू होगा, कुछ बात आगे बढ़ेंगे, मुक्ति के पथ पे आगे बढ़ पाएंगे, हम सब ऐसा कर पाए, ऐसी शुभकामना अपने लिए, आप सबके लिए।
अंगानुस्थिति का अभ्यास करते हैं प्रेरणा के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, श्रद्धा जगाने के लिए। और क्योंकि हम भी भगवान के श्रावक संघ हैं तो ये जांचने के लिए क्या ये सब गुण हम में है, उन गुणों को धारित करने की प्रेरणा देने के लिए, अभ्यास करने के लिए। सुपटिपन्नो भगवतो श्रावक संघो सुपटिपन्नो भगवतो श्रावक संघो याय पटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संघो इस प्रकार मार्ग पे चलते हैं, बिल्कुल ठीक मार्ग पे चलते हैं, सीधे मार्ग पे चलते हैं, इधर उधर भटकते नहीं है, ज्ञान पूर्वक मार्ग पे चलते हैं और भली भांति कॉम्प्रिहेंसिवली मार्ग पे चलते हैं। यानी कि कुछ काम आठ अंग हैं धर्म के, कुछ पकड़ लिए कुछ छोड़ दिए, चार सती पठान है एक कुछ पकड़ लिए कुछ छोड़ दिए, भली प्रकार कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली धर्म का पालन करते हैं। सौभाग्य हम ऐसे लोगों के संपर्क में आए हैं जो प्रेरणा देते हैं, हम याद कर सकते हैं पर्सनली।
चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ठ पुरिस पुंगला इस भगवतो श्रावक संघ। ऐसे हैं भगवान के श्रावक संघ, चार युगल, आठ प्रकार के पुंगल अर्थात जो श्रोतापत्ति मार्ग पर चल रहे हैं और जो फल को प्राप्त कर चुके हैं, ये एक पेयर और इसी तरह से बाकी और तीन पेयर, सकतागामी, अनागामी, अरहंत। हमारा सौभाग्य ऐसे लोगों से हम मिले हैं, ऐसे भिक्षुओं से। हमें भी प्रेरणा कि हम भी प्रयास करें, कम से कम श्रोतापत्ति मग पे तो पहुंचे, उसके नजदीक पहुंचे। आहुने दक्षिणे अंजलि करणीय अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसा। तीसरा जो ग्रुप है वो आतिथ्य के योग्य है, गिफ्ट देने के योग्य है, अंजलि करने के योग्य है और पुण्य के अनुपम अद्वितीय क्षेत्र है, अर्थात उनके प्रति किया गया कोई भी पुण्य का काम बहुत फलदायी होता है। जैसे एक फर्टाइल सॉयल में बीज डाले तो जल्दी और बहुत फल देता है वो पेड़, और हम भी अपने अनुभव से जानते हैं। इतने भिक्षुओं से मिले, मॉनेस्ट्रीज में गए, थाईलैंड में, इंग्लैंड में, किस प्रकार वहाँ का वातावरण, किस प्रकार वरिष्ठ भिक्षुगण से प्रति श्रद्धा जागती है स्वयं ही। दान देने का मन करता है, सेवा करने का मन करता है। इस प्रकार संघ वंदना के आधार पे हम संघानुसूति कर सकते हैं। और भी जो लिटरेचर है, जैसे आज हमने रतन सूत्र पढ़ा, उसमें कई सारी बातें संघ के बारे में आई। यथिंद खिलो पथविंसितोषिया चतुर्भिवाते ही असंपकंपीय स उपमा तत्पुरुषम वदामि यो अर्य सच्चान अवेच्य पश्यति इदं विसंगे रत्नं प्रणीतम्। तो रत्न है ये संघ में, उत्तम रत्न है कि उसका मन उनका संघ का लोक धर्मों के स्पर्श से कंपायमान नहीं होता। जैसे कि एक पृथ्वी में गहराई से गड़ा हुआ खंबा वायु के प्रभाव से हिलता नहीं है, ऐसे ही भगवान के श्रावक संघ का मन हिलता नहीं है। क्यों? ये सच्चान अवेच्य पश्यति, आर्य सत्यों को से उनको साक्षात्कार करते हैं, उनको आत्मसात किया हुआ है। ऐसे श्रावक संघ हम भी बनने का प्रयास करते हैं। चार आर्य सत्य ठीक से समझ में आए, पंच उपादान खंदा दुखा, तो सिर्फ चैंट न करें, इस बात को गहराई से समझें। प्रकार और भी
विभिन्न सूत्रों में, हमारी मॉर्निंग चैंटिंग में, इवनिंग चैंटिंग में संघ के जो गुण आते हैं उनको याद करके प्रेरणा ले सकते हैं संघानुसति को खूब इफेक्टिव बना के, श्रद्धा और प्रेरणा दोनों साथ साथ। सुखी होन्तु सर्वे, होन्तु चखेमिनो सर्वे, भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चि पापमागमा किंचि सुखमागमा मा किंचि दुःखमागमा। समापन करेंगे एंजॉयमेंट्स। सब मंगलं सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा स्तुति भवन्तु ते। भवतु सब रखन्तु सब सब संघानुभावेन सदा स्तुति भवन्तु। Sambuddho Bhagavata Ato Bhagavata Dhammo Dhamma Sāme
नमस्कार गुड डे एंड प्लीज डू रिफ्लेक्ट ऑन दीज इश्यूज सो दैट वी कैन पेनिट्रेशन इनटू द नेचर ऑफ फंगस थैंक यू सर